हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये मेरी प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो का पार्ट है, पार्ट 1, जिसमें मैंने अपने ऑफिस बैग को आपको दिखाया था कि मैं क्या कैरी करती हूँ। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं पार्ट 2 भी आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं अपना मेकअप पाउच शेयर करूँगी। बेसिकली मेकअप और थोड़ा स्किन केयर रिलेटेड चीज़ें रहती है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वी हैव अ गुड बिग सेक्शन, जिससे पता लगता है कि हम यूट्यूबर भी हैं, क्योंकि इस बैग में सारे ब्यूटी वाले एसेंशियल्स हैं, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर, जो भी आप समझ सकते हो। सो फर्स्ट थिंग वी हैव इज़ द मल्टी सोल प्लस मल्टीपर्पज़ सोल्यूशन, ये आईलैंड सोल्यूशन है। क्योंकि मैं कभी कभी कॉन्टैक्ट लेंसेज वेयर करती हूँ, तो उसके लिए हमेशा बैग में रखती हूँ छोटा वाला पाउडर फॉर्म वाला SPF। ये मैंने रिव्यू पर्पज़ के लिए लिया था, और क्योंकि अब ये मुझे थोड़ा बहुत पसंद है, मेरे बैग में रहता है ताकि मैं इसे ख़त्म कर सकूँ। ये MKFN की तरफ से है, इसका रिव्यू मैं पोस्ट करूँगी नेक्स्ट वीक पॉसिबली। देन वी हैव अ रोल ऑन, ये है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके ऑयल को हटाने के लिए है। यू सी, यहाँ से देखो, यू सी, यस। So this is basically a roll-on that is meant to take away the shine from the face. Basically ये अच्छा इसलिए है, जो आप blotting papers use करते हो, आप blotting paper use करते हो फिर आपको throw करना पड़ता है। ये इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, ये one time use नहीं है। ये जो volcanic stone है, ये volcanic stone है, ये आपके पूरे oil को absorb कर लेता है। बस ये आपको रात को धोना पड़ता है, ये यहाँ से खुल जाता है और ये जो ball है इसको wash करना होता है, एंड देन इट्स गुड टू गो। ये दोबारा से यूज़ के लिए रहता है, तो ये मेरे बैग में रहता है। मुझे बहुत ऑयल प्रोड्यूस होता है मेरे फेस पे। लिप लाइनर जो मैंने जन्मों से यूज़ नहीं किया, आज भी नहीं किया, बैग में पड़ा है बस। दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। सो दिस इज़ ट्रिपल एक्शन क्रीम, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी। जिनको अपनी वजाइनल वाले एरिया में इचिंग फील होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि खुजली हो रही है, बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा है, समटाइम्स हैपन्स कि ऑफिस में हो रहा है, तो आप क्या करो, आई बेट यू। ये मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड की थी और ये इतनी अच्छी है, बहुत अफोर्डेबल है। आप अपने किसी फैमिली डॉक्टर से पूछ के इसको ले सकते हो, अपने बैग में रख सकते हो। इट्स रियली हैंडी, अगर ईचिंग होती है इसको लगा लो, बहुत रिलीफ मिलता है। देन वी हैव अ छोटू डब्बा ऑफ ज्वेलरी, इसमें मेरे छोटे छोटे इयररिंग्स हैं ऑफिस पर्पज़ के लिए, जिसमें मैं मोस्टली ये पत्ती जैसा, ये बहुत अच्छा लगता है। एंड वन इज़ दिस, ये थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट कभी सैटरडे टाइप होता है ना, तब मैं ये भी पहन लेती हूँ। और थोड़ा छोटा छोटा है जो इसमें नहीं है, अभी बाहर है। देन वी हैव ब्लॉटिंग टिश्यूज। आई नो आई ऑलरेडी हैव वन थिंग फॉर माई ऑयल, बट आई एम क्रेजी लाइक दैट, मुझे सारी चीज़ें चाहिए अपने ऑयल के लिए। आई लाइनर, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, ये मैं टेस्ट कर रही थी इसलिए मेरे बैग में है। ऐसी चीज़ें जो टेस्टिंग भी होती है मेरे बैग में रहती हैं। देन वी हैव आईब्रो पेंसिल फ्रॉम फेसिस कैनेडा, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मैंने अर्जेंसी पर्पसेस के लिए रखी हुई है बैग में, जब अर्जेंसी हो और कुछ ना मिले तो ये यूज़ आ जाए, मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, महंगी थी, अच्छी नहीं है। देन वी हैव छोटू दातू वाला कॉम, कभी ऐसा हो कि बड़े दातू वाला कॉम यूज़ करके काम नहीं चल रहा, मुझे थोड़ा लुक बनाना है, सो उसके लिए बैग में आइए, जनरली यूज़ नहीं होता। एंड वी हैव द मिरर जो मेरे पास जन्मों से है, जो लोग मेरा चैनल स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैंने इसी को ही यूज़ किया है, जब भी यूज़ किया। इट्स अ रियली नाइस गुड क्वालिटी मिरर, एक थोड़ा जूम इन है, एक नॉर्मल है, रियली नाइस गुड क्वालिटी मिरर। देन वी हैव लिप बाम जो मोस्टली यूज़ नहीं होता, दिस इज़ फ्रॉम निविया, बट है पर्पसेस, अर्जेंसी पर्पसेस के लिए। वी हैव काजल, कभी कभी मेरा मन करता है काजल लगाने का, तो ये माय ग्लैम का सुपर फूड्स है, रियली नाइस, अफोर्डेबल रेंज में अगर आपको काजल देखना है तो आप ये चेकआउट कर सकते हो, वेरी नाइस। ओके, वी हैव लिपस्टिक, आई हैव टू मेबेलिन इंक्स, विनाइल इंक्स, एंड दिस इज़ इन द शेड अनराइवल्ड, दिस इज़ इन द शेड लिपी। नाउ लिपी इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट फॉर द ऑफिस पर्पज़, इट्स अ रियली नाइस ब्यूटिफुल शेड गाइज, बहुत ही प्यारा है। और एक्चुअली मैं ये पूरे दिन तो मैं कम बोल रही हूँ, ये 17-18 घंटे लगी रहती है एज इट इज़। आप खा लो, पी लो, नाच लो, क्या नहीं कर लो,
एज इट इज़ रेडी है, वेरी नाइस। ये मतलब ये भी टेस्टिंग पे ही है, मेरे पास सारे शेड्स हैं, मैं इसका भी रिव्यू करूँगी। सो या एंड दिस वन इज़ लाइक बॉम शेड फॉर माई स्किन टोन। इसको लगा लो, फिर चाहे आप फेस पे कुछ मत लगाओ, यू आर डन फॉर द डे। ये वाले शेड्स ऐसे हैं, अगर आप मेरे कॉम्प्लेक्शन की हो तो ये वाले शेड्स आप ले सकते हो ईजिली। देन वी हैव लेंस केस, एज आई टोल्ड यू आई हैव पार, वी हैव विक्स, कभी कभी कोल्ड फील हो तो लगा लो छोटी वाली विक्स, एंड वी हैव अनदर लिपस्टिक। सो दिस इज़ फ्रॉम डार्लिंग इसाबेला इन द शेड स्मूथ कैरमल, स्मूथ कैरमल। ये मैंने बहुत पहले लिया था, इट्स अ रियली नाइस प्रॉपर न्यूड शेड, और इसको मैं लगाती हूँ अपने बाकी शेड्स को न्यूड करने के लिए। सो यू कैन सी इट्स अ प्रिटी, दिस वन इट्स अ प्रिटी न्यूड शेड, बट लगाती हूँ मैं बाकी शेड्स को न्यूड करने के लिए। ओके, कभी मैं डार्क शेड लगा के चली गई और बाद में मुझे पता चला यार ओवर हो रहा है ऑफिस के लिए, तो ये उसको टाइम डाउन करने में ईजी रहता है। लिटिल मेकअप रिमूवर, ये एक्चुअली में टब फॉर्म में है, बाम है एक्चुअली, ये मेरे पास टेस्टिंग पर्पज़ से आया था, तब से टेस्ट ही हुए जा रहा है। और क्योंकि ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है और कभी मुझे लिपस्टिक चेंज करने का मन है या दोबारा से रीअप्लाई करने का मन है तो मैं इससे ईजिली रिमूव करती हूँ। बहुत ही प्यारी क्वालिटी है, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड प्रिटी वुमन। यस, वी हैव अनदर प्रिटी न्यूड शेड फ्रॉम माई ग्लैम, और पूरा प्रिंट उड़ गया है, बट ये उनका एक्चुअली जो लिक्विड LIT वाली लिट लिक्विड वाली जो रेंज आई थी वो है। इट्स अ रियली नाइस शेड गाइज, शेड नेम मैं भूल गई, इधर से उड़ गया है, रियली प्रिटी शेड। मतलब माई ग्लैम के बाद, मतलब मेबेलिन इंक मैट्स के बाद अगर मुझे कोई लिपस्टिक पसंद आई लॉन्ग लास्टिंग होने के लिहाज से, दिस इज़ द बेस्ट वन, लाइक दिस थर्ड वन, रियली प्रिटी शेड। आपको कोई लिप लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई डार्क लिप लाइनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मुला इज़ वेरी गुड, लॉन्ग लास्टिंग, वेरी वेरी नाइस। आई नो सब लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करें मेरे लिपस्टिक शेड्स, बिकॉज ऑफिस में क्या ही कलर लगाएंगे ना यार। अनदर डिस्पोजेबल बैग, एंड वी हैव लिव ऑन हेयर सीरम, सीरम चाहिए होता है बाल धो के जाएँ तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेफ्टी पिंस। Now we have the last thing for today's video, and this is the Vaseline. Like, how can we end up the video not having Vaseline in our skincare? So I keep it कि कभी अगर मैं hand cream, face cream, lip balm और अपनी वो cream सब कुछ मैंने छोड़ दिया तो I have this thing and I'm sorted. ये सभी चीज़ों का काम कर देता है, सारे चोचले ख़त्म कर देता है। फील आपको वीडियो से एंटरटेनमेंट भी मिला होगा, अगर मिला है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसको शेयर भी कर देना, एंड मैं मिलूंगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। टिल देन बाय।